गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल व्हाट्स माय डे। और आज का दिन होली का दिन है और हैप्पी होली टू एवरीवन। और कुछ नहीं, अभी मैं सुबह उठ के शीरा खा रही हूँ। मैं 10 बजे उठी, अभी कितने बजे, 10:30 बजा है अभी है। और आज वो होली जो ऐसा बर्न करते हैं ना, और कल कलर वाली होली है। सो अभी कुछ नहीं, मैं इतना होली नहीं खेलती हूँ। फ्रेंड्स आए, कलर लगाए, तो दैट्स फाइन, थोड़ा सा ही, इतना भी नहीं। और कल की होली के लिए मुझे बताना है कि एनिमल्स के ऊपर मत डालो, अच्छी बात नहीं होती है। और मतलब होली तो इंसान खेलते हैं ना, एनिमल्स तो नहीं खेल सकते। हम लोग तो नहा सकते हैं, बट एनिमल्स नहीं नहा सकते, दे गेट स्किन इन्फेक्शन। सो एनिमल्स के ऊपर मत डालो, मैं तो इतना कह सकती हूँ, बाकी आपको तो पता ही है। और आज हम लोग के घर पे शीरा बनाया है, मीठा आज कुछ तो बनाते हैं। पर पूरम पोली एक्चुअली हर साल हम लोग बनाते, पर इस साल मम्मी को बहुत काम था, इसके लिए हम लोग ने बोला मम्मी को कि शीरा ही बनाओ। सो इसके लिए शीरा बनाया मॉम ने सुबह उठ के जल्दी। मैं तो थोड़ा लेट ही उठी, आई वोक अप अराउंड 9:45 या 10 o'clock, ऐसे टाइम पर मैं उठी, इसके बीच में मैं उठी। अभी कुछ नहीं, अभी शीरा खाते लेट, शीरा खाते खाते टीवी भी देख रही हूँ मैं। म्यूट है, वरना बोले कि टीवी का आवाज नहीं आ रहा है, सो म्यूट पे रखा है मैंने। सो आई एम बैक। और अभी कुछ नहीं, आई एम बोर, सो इसके लिए मुझे ड्राइंग करना है। सो लेट्स ड्रॉ समथिंग। तो ये मेरी ड्राइंग बुक आपको बताई होगा, ड्राइंग बुक भी है और ये यहाँ पे भी मैं क्या क्या लिखते रहती हूँ, ये पीछे के पेज पे ऐसा कौन कौन है जो मेरी तरह, और ये ऐसा भी रखी हूँ मैं एक्स्ट्रा, मेरी तरह कौन कौन है जो आगे ड्राइंग करता है पीछे कुछ भी लिख देता है। ये लास्ट जब दीदी थी तभी मैंने ये ड्राइंग किया था, आपको मैंने दिखाया लास्ट वीडियो, नहीं देखा होगा तो जाके देखिए वो वाला व्लॉग। और सॉरी आई एम बैक, मुझे कुछ तो काम आया था इसके लिए मैं वो करने गई थी। और अभी ड्राइंग करते हैं, स्केच बनाते हैं, स्केच। पेंसिल ही नहीं मिलती मुझे। सो आज मैं ड्राइंग करने वाली हूँ आईज, उसके बाद नोज, ईयर एंड लिप्स, ऐसे मैं लाइक है, मेरे टैब में है वो, मैं ड्रॉ करने वाली हूँ, ये टैब में है और वो मैं ड्रॉ करने वाली हूँ इस पे। अब बताना कि ये चारों में से आपको क्या ज़्यादा पसंद है। मुझे तो आईज ज़्यादा पसंद है क्योंकि ले बहुत अच्छे दिख रहे हैं आईज और नोज भी इतना नहीं, आईज ही मुझे ज़्यादा पसंद है। मैं आईज को 10 out of 9 दूंगी और बाकी सबको तो ऐसे 6-7 ऐसे। मुझे आईज बहुत ज़्यादा, आईब्रोज भी बहुत पसंद है जो मैंने बनाया है ना, वो मैं दिखा दी आपको। अभी मेरा खाना खा के हो चुका है और आई फॉरगॉट कि मैं आज व्लॉगिंग कर रही हूँ। सो खैर छोड़िए, खाना खा के हो चुका है मेरा और शाम को मैं बाहर जाने वाली हूँ।
मैं वो भी दिखाऊँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ, और कुछ भी नहीं, अभी थोड़ा एक काम है वो मैं करूँगी, उसका थोड़ा इफ़ आई फील स्लीपी तो मैं सो जाऊँगी और बाद में बाहर जाएगी। ठीक है, मिलते हैं। लेट्स हैव समथिंग और उसके बाद मैं तैयार होगी और उसके बाद सो के थोड़ा फ्रेश फील हो रहा है। इतना मैं सोती नहीं हूँ एक्चुअली, बट जब भी ऐसा कुछ काम नहीं होता, कुछ नहीं होता, देन आई मेक श्योर कि आई टेक अ रेस्ट। सो अच्छा लगा, तो मैं मिलती हूँ आपको तैयार होने के बाद। अभी मैं रेडी हूँ और कोई तो स्कूल से आया है। देयर इज नो यूनिफॉर्म नेम ना, स्कूल नेम ना है ना। लुक हाउ हैंडसम यू आर, सुम हैंडसम हैप्पी दीदी को डा दीदी। अच्छा ओके ओके बाय बाय, जा रहा है अभी पिचकारी लेके जा रहा है उसके दादी के घर, वहां पे ऐसे वाड़ी सोसाइटी टाइप है ना, तो वो लोग खेलते हैं बच्चे बच्चे लोग। याद आ रहा है मुझे जब मैं छोटी थी तब भी मेरे पापा मुझे पिचकारी लाते थे और आई यूज टू गो इन वाड़ी, वो जो जा रहा है ना वो ही मैं वहां पे ही जाती थी पहले, और आई यूज टू एंजॉय विद माई फ्रेंड्स। और अभी देखो अभी इतना होली मुझे पसंद नहीं है एक्चुअली, नहीं पता अभी बचपन में मजा आता था, अभी तो नहीं आता है मुझे, अभी सिर्फ देखना ही अच्छा लगता है ऐसा। सो आई एम रेडी, हियर आई एम रेडी टू गो, सो लेट्स गो। और जाते जाते समय देखते हैं होली जो बर्न करते हैं वो मिलता है, और शायद मिलेंगे, शायद रास्ते में बहुत सारे ऐसे रहते हैं वाड़ी में रहते हैं और ऐसे बर्न करते हैं, सो होगा तो वहाँ पे भी जाएंगे और देखेंगे। जैसे मैंने विंडो खोला वैसा ये क्लाइमेट पूरा येलो हो चुका है, पूरा स्काई येलो, मैं आपको दिखाती हूँ, देखो पूरा स्काई येलो दिख रहा है, पूरा येलो। अभी 6:30 हुआ है, चलो फाइनली मैं निकल रही हूँ अभी। तो वहाँ पे मॉम मेरी सब्जी ले रही है और मुझे अभी पता चला है कि हम लोग भुलेश्वर जाने वाले हैं। सो ज़्यादा सो मॉम का लेके हो चुका है ना टूवर्ड्स भुलेश्वर, मम्मी को कुछ तो लेस ऐसा कुछ तो लेना है इसके लिए, वन सेकंड मुझे क्रॉस करने दो। हाँ सो मम्मी को कुछ तो लेस लेना था और कुछ तो काम है इसके लिए, वी आर गोइंग देयर। और आते समय देखते होली का कुछ कोई बर्न कर रहा होगा तो अच्छी बात है, तो नारियल भी डालना पड़ता है होली के टाइम, उसमें नारियल डालना पड़ता है, हम लोग में नारियल डालते हैं। आउच, मेरे ना शूज़ के अंदर ना ऐसा लग रहा है मुझे स्टोन कर, मुझे वो परेशान कर रहा है। और जैसे मैं चल रही हूँ ना वैसे मुझे दिखाई दे रहा है इतना ब्यूटीफुल मून दिख रहा है आज, रुको मैं दिखा रही हूँ। हाँ सो मैं अभी चल रही थी तो मैं आपको मून, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू व्लॉग व्हाइल यू आर वॉकिंग। हाँ सो मैं बता रही थी, क्या बता रही थी मैं, हाँ तो मैं हाँ मून दिखाने वाली थी, तो अभी क्या हुआ मैं आगे ऐसे जैसे आई तो से ना ऐसे बिल्डिंग आ गई, तो मैं फिर से पीछे गई और फिर से मैंने आपको ब्लॉग के लिए मैंने मून दिखाया आपको, फिर से मुझे पीछे जाना पड़ा, मैंने मून दिखाया और फिर से मैं आ गया, करना पड़ता है ये भी, करना फिर से पीछे जाओ फिर से आगे जाओ, यही करना पड़ता है हम लोग को। और मुझे लोग इतना वियर्ड लुक दे रहे हैं कि मैं किससे बात कर रही हूँ, बट आई डोंट केयर यू नो, ब्लॉगिंग करना है तो करना पड़ेगा। ये जो हाउस है ना यहाँ पे एक टेंपल है अंदर, ये देखो होली जला रहे हैं, ये देखो हाँ। सो यहाँ पे ही हम लोग ने, मम्मी ने डिसाइड किया अभी कि यहाँ पे ही डालते हैं होली का नारियल। ओह माय गॉड, कृष्ण भगवान का टेंपल है, वेरी माय गॉड,
बसेस देखा है, ये देखो कितनी क्यूट है बस, आगे भी है, मुझे बहुत क्यूट में लाइक न्यूज़पेपर में मैंने रीड किया था। ये बसेस अभी यहाँ से चालू हुआ है, अभी हम लोग बुलेश्वर पहुँच गए हैं, सो वी आर राइट इन बुलेश्वर। बहुत यहाँ पे पीपी भी आते हैं, मेरे मुझे चिल्ला चिल्ला के बात करना पड़ रहा है। ज़ाला, सो दैट्स माय मॉम, हाय, एंड शी इज लुकिंग फुल लाइक मी, टिप टॉप। बुलेश्वर का व्लॉग भी डाला है, नहीं देखा होगा तो जाके देखिए बुलेश्वर का व्लॉग, सबको आपको रेट्स एंड ऑल एवरीथिंग पता चलेगा रीजनेबल है। बहुत शॉपिंग करने के लिए तो बहुत अच्छी जगह है, कलेक्शन भी अभी अच्छे अच्छे आ रहे हैं, ऐसे भी नहीं कि कुछ भी ऐसे डाल रहे हैं, अच्छे अच्छे आते हैं कलेक्शन, सिर्फ आपको ढूंढना पड़ता है, यही बात है। और यहाँ पे तो हर टाइम ट्रैफिक ही रहता है, पी पै हूँ पी। सो ये जो पीछे था वो मोस्ट फेमस वड़ा पाव है हम लोग का एरिया का, बोरकर वड़ा पाव, बहुत यम्मी लगता है। हम लोगों ने तो 5 लिया है बोरकर वड़ा पाव, अभी घर पे जाके वड़ा पाव खाएंगे। आई एम नॉट अ वड़ा पाव लवर, बट अभी मुझे अभी लाइक इट्स बीन 2-3 मंथ्स मुझे अच्छा लगने लगा है वड़ा पाव, आई डोंट नो व्हाई। पहले मैं इतना नहीं खाती थी, एक्चुअली भजी पाव मुझे बहुत पसंद था, वड़ा पाव इतना नहीं, बट अभी मुझे पसंद है, और स्पेशली बोरकर का तो मुझे ज़्यादा ही पसंद है। आई एम बैक होम, अभी वड़ा पाव खाते हैं। अभी 11 बजे और अभी मैं सोने जा रही हूँ, के लिए अभी नहीं, इतना जल्दी नहीं, थोड़ा और टाइम पास करूँगी उसके बाद सोने जाऊँगी। मैंने खाना नहीं खाया क्योंकि लिए वड़ा पाव थोड़ा ज़्यादा हुआ था, क्योंकि हैवी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।